नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन मेरे YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 23,000, फिर 24,000, फिर 25,000, और हमेशा अपडेट करता रहता आप सब लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको आज बताऊंगा सब्सक्राइबर मेरे कैसे बढ़ रहे हैं, और एक बात और बता दूं, मेरा YouTube पे जो है हर महीने पेमेंट आ रहा है। इस महीने कितना पेमेंट आया हुआ, अगर जानना चाहते हैं, आप भी मोटिवेट होना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पूरा आपको बताऊंगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, पेमेंट कितना आया हुआ है, कैसे आता है, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद चैनल पहली बार मैं कहूंगा प्लीज ये लाल बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं आप सब लोग के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं चीजें, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और मैं चाहूंगा इंस्टाग्राम को मेरा आईडी है जोगिंदर गया, मुझे फॉलो करिए। आपके मेरे कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई अगर सवाल है, यूट्यूब रिलेटेड कोई सवाल है, पूछिए। मैं प्रयास करता हूँ कि सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं सेटिस्फाइड कर दूँ। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ आपको हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत किस तरीके से करें वो बताता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले साल 2019 के अंदर यूट्यूब चैनल शुरू किया था। जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरे पास मात्र 0 सब्सक्राइबर थे, और 0 सब्सक्राइबर से आज 25 के सब्सक्राइबर हुए हैं। उसके लिए मैंने मेहनत किया हुआ है। किस तरह मेहनत किया हुआ है, तो आपको कुछ पॉइंट आपके मन में नोट करना पड़ेगा। जब यूट्यूब पे आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको एक फील्ड में काम करना, मान लीजिए कि जैसे मैंने कंप्यूटर क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर में मास्टर आदमी, मतलब जानकारी मुझे ज्यादा है। कोई ऐसा होगा जिसको कुकिंग बारे में ज्यादा जानकारी होगा, कोई ऐसा आदमी होगा जिसको जो है साइकिलिंग करने में होगा, किसी को मोटर ड्राइविंग करने में, मतलब आपका सबका हर आदमी किसी न किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है। तो जैसे मैं कंप्यूटर फील्ड में एक्सपर्ट था, इसलिए कंप्यूटर की वीडियो बनाना मैंने शुरू कर दिया। जब कंप्यूटर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि यार कंप्यूटर वीडियो बनाता कोई देखता ही नहीं है, तो फिर धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब काम करूंगा कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो। अब कंप्यूटर रिलेटेड एक नीच मैंने डिफाइन कर लिया, तो उसी नीच के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, तो आपको एक नीच डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब एक फील्ड चुनना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं, तो टीचर टीचिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप गाड़ी चलाना सिखाते हैं, लोगों को गाड़ी चलाना सिखाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपको सब्सक्राइब करेगा, आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि उसको जो है अच्छा एक आउटपुट देंगे। आप नए नए वीडियो बनाकर उसको कुछ सिखाते रहेंगे। तो देखते होंगे वीडियोस के अंदर मैं कंप्यूटर के वीडियो बनाता रहता हूँ, कंप्यूटर की चीजें लोगों को सिखाता रहता हूँ, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। कुछ वीडियो मेरे YouTube पे वायरल है, जैसे कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, उसमें लगभग 5.5 लाख से ज्यादा व्यू है। लैपटॉप कैसे चलाते हैं, उसमें भी जो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा व्यू है। कंप्यूटर के नो सिग्नल नो डिस्प्ले अगर है, उसके अंदर लगभग 3 लाख से ज्यादा व्यू है। मतलब क्यों व्यू आ रहे हैं, क्योंकि जो मुझे चैनल पे आ रहे हैं वो सब जानते हैं कि जोगिंदर भैया कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, कंप्यूटर बारे में समझाते रहते हैं। तो बात ये हो गई, एक आपने नीड डिफाइन कर लिया। नीड डिफाइन करने के बाद में तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। आप भी देखते हो पहले जो वीडियो में आते थे थोड़े अंधेरे में होते थे, उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अब लाइट में वीडियो बनती, लाइट आ रहा चेहरे पे आ रहा होगा, क्वालिटी साउंड की भी अच्छी आ रही होगी, तो उस पर मैं काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा पहले से इंप्रूवमेंट मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम ठीक ठाक है। और थर्ड मैं बात करता हूँ कि जब वीडियो बनाते हैं, तो आप अच्छा थंबनेल लगाना पड़ता है। थंबनेल जानते होंगे, पिक्चर मतलब शुरू वाला बनाना पड़ता है, तो थंबनेल बनाना पड़ता है। तो वह सीखा मैंने, तो आप भी सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च करें कैसे थंबनेल बनाया जाता है, तो आप वो थंबनेल बनाना सीख सकते हैं। फिर टैग क्या होता है, फिर टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग क्या सर्च करेंगे। जैसे कि हर आदमी जो है जब इंटरनेट पर जाता है, कोई ना कुछ सर्च करता है, तो कोई क्या लिखेगा, सबका अलग लैंग्वेज होता है, कोई लिखेगा कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। जब ये टाइटल लिख के उसके दिमाग में आया, तो वो टाइटल आपको पढ़ना पड़ेगा, वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा लोग क्या सर्च करते हैं। तो आपको टाइटल जो है सेलेक्टिव डालना पड़ेगा। टाइटल से मिल गया कि डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर टैग हो गया, आपको एसईओ करना पड़ेगा, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तीनों चीज एक से मैच करेगा, तभी वीडियो की आपके बारे में जो संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो इतना आप काम कर लेंगे ना, मुझे लगता है यूट्यूब पे आप देखिए, भगवान का देर है अंधेर नहीं है, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मतलब काम करते करते आपको पक्का सफलता मिलेगी। वो काम करता गया, और जुलाई 2020 में मेरा चैनल भी उस जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है 1,000 सब्सक्राइबर का, 4 घंटे वॉच टाइम का मैंने पूरा कर लिया। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद में मेरा पहला पेमेंट जो है जुलाई के बाद, अगस्त आया, सितंबर आया, नहीं आया, पहला पेमेंट मेरा आया अक्टूबर के अंदर। दोस्तों अक्टूबर का पैसा कलेक्ट होकर मैं $100 में हुआ था। फिर वो नवंबर में आया पहला पेमेंट मेरा आया, फिर दूसरा पेमेंट मेरा दिसंबर में आया, और थर्ड पेमेंट मेरा आया जनवरी के अंदर। तीनों महीने पेमेंट मेरा जो है लगभग क्या बताऊं, क्योंकि YouTube के गाइडलाइन खिलाफ होता पहला पेमेंट बताने के लिए, लेकिन 10K और 20K भी तीनों पेमेंट मेरा आ चुका है। इस नोट कर लीजिए, मतलब 10K और 20K पहला पेमेंट में आया है, सेकंड जो पेमेंट आया उससे बढ़कर आया है पेमेंट, उससे आया, और थर्ड पेमेंट मेरा जो है कल ही आया है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ यूट्यूब पे काम करने। देखिए आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे टाइम वेस्ट करते हुए, यूट्यूब के फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप यूट्यूब पे काम करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, पक्का मुझे मालूम है कि आप यूट्यूब के ऊपर जो अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे नौजवान दुनिया के अंदर है, वो नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कि आप सीख करके जो है आप एक्सपर्ट बन सकते हैं।
बेरोजगारों के लिए अच्छा है। दोस्तों देखिए, मैं वीडियो बनाकर सिर्फ चाहता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आप लोग भी यूट्यूब पर काम कर सकते, आप पैसा कमा सके, अपना करियर बना सकते। दोस्तों अगर वीडियो से आप कहीं कहीं मोटिवेट होंगे तो प्लीज मैं कहूँगा 2021 के अंदर अपना एक प्रण लीजिए और यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिए, आप पक्का सफल होंगे, आप भी अर्न करना शुरू जिससे मैं करा रहा हूँ। तो आप जरूर करिए दोस्तों, वीडियो पसंद अगर आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताएं मिलकर आप वीडियो बना सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर जो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मोटिवेशन, उनको कहीं ना कहीं फायदा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, टॉपिक साथ में, तब तक आप लोग को।